मुंबई की लोकल ट्रेनों के नेटवर्क को इंडिया का सबसे बेहतरीन रेलवे नेटवर्क कहा जाता है और मुंबई से जो लोकल ट्रेनें चलती हैं उनमें 75 लाख लोग दिन रात सफ़र करते हैं। लेकिन इस बेहतरीन नेटवर्क की असलियत तब खुल जाती है जब मुंबई में ज़रा सी ज़ोरदार बारिश होती है। और पहले तो ये ऐसा कभी कभार होता था कि बारिश की वजह से लोकल ट्रेन ठप पड़ जाती थी, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं लगता है कि मुंबई का लोकल ट्रेन नेटवर्क बरसात के आगे बेबस हुआ जाता है। इस साल जबकि मुंबई की बरसात को सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं, मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करने वाले लोग जो हैं 75 लाख लोग कई बार इस तरह धोखा खा चुके हैं कि जब वो घर से निकले ऑफिस की तरफ या ऑफिस से निकले घरों की तरफ तो वो मुंबई की लोकल ट्रेनों की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है और बारिश की वजह से जो प्रॉब्लम यह पैदा होता है उसकी वजह से फंस के रह गए। बहुत से लोग ट्रेनों की पटरियों से गुज़र कर अपनी मंजिलों की तरफ पैदल ही चले, तो फिर मुंबई की लोकल ट्रेनों का क्या फ़ायदा। जब मुंबई की लोकल ट्रेनों पर आफत आती है तो ये देखा जाता है कि मुसाफिरों को और फंसे हुए मुसाफिरों को जो मदद करने के लिए सबसे पहले आते हैं वो खुद मुसाफिर होते हैं और जो अपने दूसरे मुसाफिरों की मदद करने के लिए आगे आगे रहते हैं। मुंबई करों की लाइफ बहुत ही हेक्टिक और भाग दौड़ वाली लाइफ होती है और वो मुंबई की जो लाइफ लाइन कही जाती है ट्रेन, उसकी रफ्तार से रफ्तार मिलाकर चलते हैं। लेकिन बरसात में जब मुंबई की लाइफ लाइन जो है लोकल ट्रेन उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है, बंद पड़ जाती है, तो मुंबई करों की भी लाइफ जो है ठप हो जाती है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि मुंबई के लिए बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है और मुंबई के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से जो बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है उसकी बजाय अगर मुंबई की लोकल ट्रेन के नेटवर्क को डेवलपमेंट का काम किया जाए तो ये ज़्यादा सही और दुरुस्त होगा।